morning. How are you all? I hope you're fine. अच्छा, environmental day आ रहा है, तो हमें कैसे अपना अर्थ बनाना है? एक टेप रख लो, टेप के आप हेल्प से हमारे बच्चे सर्कल बना सकते हैं. ओके, ये सर्कल बन गया. आप यहाँ पर टू स्टैंडिंग लाइन, फिर लीव्स बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम बच्चे दिखा देंगे प्लांट को वाटर कर रहे दे रहे हैं. ठीक है, एनवायरमेंटल डे आ रहा है, सो हम इसीलिए ड्राइंग बना रहे हैं. और एनवायरमेंटल मतलब हमारा पर्यावरण. पर्यावरण मतलब क्या? जिसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, हमारी भूमि, हमारे पार्क, जो भी हम जहाँ जाते हैं, ये पर्यावरण है हमारा. और हम क्या करते हैं उसका, उसको नुकसान देते हैं प्लास्टिक से. इतनी बड़ी बीमारी आने के बाद भी लोग अभी तक सड़कों पे थूकना नहीं बंद कर रहे. सो प्लीज़ आप बच्चों जब भी किसी को देखें, अंकल आंटी को, बोलिए उनको प्लीज़ आप यहाँ पर रोड में थूकिए मत. आप भले वॉशरूम कहीं जाके कर ऐसा काम कीजिए थूकिए, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं करिएगा. क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उनमें जो बीमारी है वो थूक के द्वारा कहाँ आती है, हमारे ऊपर, हवा से. सो उनको ये आप लोग बताओगे, अंकल आंटी को, किसी बड़े को, दादाजी हों कोई, दादी जी हों, प्यार से समझाना है उन्हें कि आप ऐसा मत कीजिए. क्योंकि क्या होता है, ये बीमारी किसको आती है, हम लोगों में आती है फिर. सो मैं चाहती हूँ हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें. तो हम लोग अब ये ब्लू इसमें भी कर देंगे. हल्का सा, क्योंकि ब्लू और जो उसे कहते हैं आसमानी नीला, हमेशा पानी या आसमान को दिखाने के लिए होता है. तो ये हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण बचाने के लिए हमें एक पेड़ और ज़रूर लगाइए. आपका जब भी बर्थडे हो तो ये आप कर लीजिए कि आपके बर्थडे के दिन या आपके मम्मी पापा के बर्थडे के दिन किसी एक दिन भी आप जाके एक पौधा, एक पेड़, सॉरी पौधा ही लगाएंगे, पेड़ तो वो बाद में होगा, आपको लगाना है. सो ये देखो, जैसे मैं सर्कल बना रही हूँ, सर्कल बनाने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, फ्लावर बना सकते हैं ऐसे. जब आप पार्क में जाते हैं तो क्या अच्छा लगता है, फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, वो किस लिए होते हैं, हमारे इतनी सुंदर दिखती हैं. तो हमें बचाना हमें ही है उन्हें, और कोई आके उसे कुछ नहीं बचा सकता.